हाय गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल एंड दिस इज मी अदिति यादव। सो कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं आ गई हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ। और आज का जो वीडियो है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड होने वाला है, क्योंकि आज मैं करने वाली हूँ अपनी आंखों का शिमरी आई लुक। सो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा एंड वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग ए टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। सो गाइज, आईज के बेस को कंप्लीट करने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ स्विस ब्यूटी कंसीलर। और सबसे पहले मैं स्विस ब्यूटी कंसीलर अपनी आई पे अप्लाई करूँगी। और आज मैं बहुत ही ज़्यादा लाइट आई मेकअप करने वाली हूँ, शिमरी मेकअप आज मैं करने वाली हूँ अपनी आईज का, बहुत ही लाइट। सो अभी मैं इसे अपने पूरी आईज पर अच्छे से अप्लाई कर लूँगी एंड अब मैं एक छोटे से ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। सी दिस गाइस, इस तरह से इसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ब्लेंड करना है। सो गाइस, मैंने अपने फेस का जो भी बेस कंप्लीट करना था वो मैंने कर लिया था, क्योंकि यहाँ पर मैं आई लुक दिखा रही हूँ इस वजह से। सो मैंने अपना जो भी मेकअप था वो पहले ही ऑलरेडी डन कर रखा है, आप देख सकते हो। लिपस्टिक वगैरह मैंने ऑलरेडी लगा रखी है, क्योंकि यहाँ पर मैं आई लुक दिखा रही हूँ आपको इसलिए, क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा ही लंबा हो जाता है पूरा फेस का मेकअप दिखाने का। सो इसलिए मैंने सिर्फ आई लुक दिखाया है। सो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने अच्छे से इसे ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अप्लाई कर लिया है, अच्छे से इसे ब्लेंड कर लिया है। सी दिस गाइस, ओके। तो अब मैं इसे किसी भी कॉम्पैक्ट पाउडर की हेल्प से सेट करने जा रही हूँ। सो यहाँ पर मैं ले रही हूँ रॉन्जल कॉस्मेटिक का कॉम्पैक्ट, इसे मैं हमेशा ही अपनी वीडियो में यूज़ करती हूँ और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, इसलिए मैं इसे अपनी वीडियो में बहुत ज़्यादा ही यूज़ करती हूँ। सो इस कॉम्पैक्ट पाउडर की हेल्प से इसे पूरी आईज़ पे अच्छे से सेट कर लेंगे। आप चाहे तो आप कोई लूज़ पाउडर भी ले सकते हैं, बट मैं यहाँ पर कॉम्पैक्ट ही ले रही हूँ। ओके, सो अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ अपना आई शेडो पैलेट, और ये मैंने मीशो से लिया था 200 रुपीज़ के समथिंग। एंड ये कलर स्टूडियो का है, बट आई डोंट नो ये ओरिजिनल है या नहीं। सो इसके जो कलर्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। ओके, सो अब मैं यहाँ से ये लाइट वाला शेड ले रही हूँ। सबसे पहले मैं ये लाइट वाला शेड पिक करूँगी एंड इसे थोड़ा सा डस्ट ऑफ कर दूँगी। और अब मैं इसे अपनी आईज़ पे अप्लाई कर रही हूँ आई शेडो को। आपको हमेशा इस तरह से आउटर कॉर्नर से स्टार्ट करना है, जैसे मैं कर रही हूँ। सो इसे मैं फटाफट से कर लेती हूँ। ये बहुत ज़्यादा ही लाइट है, आपको अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, आई नो। सो अब हम इसे दोनों साइड अप्लाई करेंगे इस तरह से। एंड मैं यहाँ पर एक ही ब्रश का यूज़ कर रही हूँ, मैंने कोई और ब्रश नहीं लिया है। सो अभी फ़िलहाल मैं एक ही ब्रश का यूज़ कर रही हूँ अपनी इस वीडियो में। ओके, सो अब मैं यहाँ पर दूसरा वाला शेड ले रही हूँ, जो लाइट वाले से थोड़ा सा डार्क है, आप देख सकते हो। आई थिंक आपको अच्छे से विजिबल हो रहा होगा। और इसे मैं अपनी दोनों आईज़ पर अप्लाई कर लूँगी। सो इसे आउटर कॉर्नर एंड इनर कॉर्नर दोनों ही साइड अच्छे से अप्लाई कर लेना है, इस तरह से आप देख सकते हो। ओके, सो अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ ये ऑरेंज वाला शेड, ये थोड़ा सा डार्क है और इसे मैं अपनी क्रीज लाइन क्रिएट करूँगी। सो इसलिए मैंने इसे पिक किया हुआ है, आप देख सकते हो। ये थोड़ा सा डार्क है, ऑरेंजी शेड है, और मैं आज थोड़ा सा ऑरेंजी आई लुक दूँगी अपनी आईज़ को, शिमरी आई लुक। सो मैं बहुत लाइट लुक दिखाना चाहती हूँ अपनी आईज़ का, बहुत ही ज़्यादा लाइट। सो इसलिए मैंने ये वाला कलर पिक किया है। ये दिखने में तो बहुत ही ज़्यादा डार्क लग रहा था, बट ये लाइट सा है, आप देख सकते हो, ये ऑरेंजी सा शेड है कुछ। ओके, सो अब मैं यहाँ पर लेने जा रही हूँ ये डार्क ब्राउन वाला शेड, और इससे मैं अपनी क्रीज लाइन क्रिएट करने जा रही हूँ। और इससे अच्छे से क्रीज लाइन क्रिएट होगी, और ये थोड़ा सा डार्क है तो इससे थोड़ा अच्छा लुक लगेगा आई का, थोड़ा सा स्मोकी भी लगेगा। सो देख सकते हो आप, मैं अपनी क्रीज लाइन क्रिएट कर रही हूँ और इसे अच्छे से अप्लाई करना है अपनी आई पे, और दोनों साइड इसे अप्लाई कर लेती हूँ मैं। सो गाइस, अब मैं यहाँ पर ये ब्लैक वाला शेड ले रही हूँ और इसे अपने आउटर कॉर्नर पर अप्लाई करूँगी, ताकि थोड़ा सा मेरी आईज़ जो है वो थोड़ी सी स्मोकी आई लुक लगे। सो
सो इसे मैं आउटर कॉर्नर पर अप्लाई कर लेती हूँ इस तरह से, आप देख सकते हो। और इसे मैं दोनों ही साइड अप्लाई करूँगी अच्छी तरह से, आप देख सकते हो। ओके सो अब मैं ये ऑरेंजी वाला शेड पिक कर रही हूँ, देख सकते हो आप, ये ऑरेंज वाला जो शेड है इसे मैं अप्लाई करने जा रही हूँ। और इसे थोड़ा सा डस्ट ऑफ कर देते हैं, और इसे मैं ये आई का जो बीच वाला पार्ट है इसमें अप्लाई करूँगी, आप देख सकते हो मिडिल लिड जो होता है वो उसमें अप्लाई कर रही हूँ। सो इसी तरह से ये दूसरी आई पे भी मैं अप्लाई करूँगी ये वाला कलर। ओके गाइस सो आप देख सकते हो दोनों साइड इसे अप्लाई कर लिया मैंने अच्छे से। सो गाइस जो भी शेड मैंने अपर लाइन पर अप्लाई किए हैं उसे मैं लोअर लैश लाइन पे भी अप्लाई कर रही हूँ, ताकि मेरी आई लुक जो है वो पूरा कंप्लीट लगे, अधूरा सा ना लगे। सो मेक श्योर आपको भी इस बात का ध्यान रखना है। सो गाइस अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ ये शिमर वाला सिल्वर शेड। सो आप देख सकते हो ये कुछ इस तरह का है, और सारे ही प्रोडक्ट्स के लिंक जो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, मैं वहाँ पर सारे ही प्रोडक्ट्स के लिंक मेंशन कर दूँगी। सो अभी मैं फिंगर टिप की हेल्प से इसे अपनी आई पे अप्लाई कर लेती हूँ, आप देख सकते हो इस तरह से। ब्रश से आपको कभी भी शिमरी शेड्स अप्लाई नहीं करने हैं, क्योंकि अगर आप ब्रश से करोगे तो वो ठीक से आपकी आई पे अप्लाई नहीं हो पाएगा और वो निकल जाएगा। सो आपको हमेशा फिंगर टिप की हेल्प से अप्लाई करना है, मैं हमेशा फिंगर टिप की हेल्प से ही अप्लाई करती हूँ। और मैं यहाँ पर बहुत ही कम क्वांटिटी में प्रोडक्ट ले रही हूँ, क्योंकि ये शिमरी शेड है और ये बहुत ज़्यादा अगर आप इन्हें लोगे तो फिर ये अच्छा लुक नहीं देंगे आपकी आईज़ को। सो मैं इसे बहुत ही हल्का हल्का अपनी आईज़ पे अप्लाई कर रही हूँ, देख सकते हो आप इस तरह से। और ये इतने ज़्यादा हल्का मैंने इसे अप्लाई किया है कि ये ठीक से पता भी नहीं चल रहा है। ओके गाइस तो अभी एक ब्रश की हेल्प से जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट फॉल आउट हुआ है उसे मैं डस्ट ऑफ कर लेती हूँ, आप देख सकते हो। सो गाइस अब मैं अप्लाई करने जा रही हूँ लैक्मे आइकॉनिक का मस्कारा, और इसे मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ, ये मुझे बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है। एंड इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मैं वहाँ पर मेंशन कर दूँगी। और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, वाटर प्रूफ है और स्मच प्रूफ है, एंड ये आपकी आईलैशेस को एक अलग लुक दे देता है। सो गाइस अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ लैक्मे आइकॉनिक आईलाइनर, और इसे मैं हमेशा यूज़ करती हूँ, ये मेरा फेवरेट है, एंड इसे मैं अपनी आईज़ पर अप्लाई करने जा रही हूँ। सो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और ये काफ़ी जेट ब्लैक है, आप देख सकते हो। और अभी मैं यहाँ पर एक विंग लाइन क्रिएट कर रही हूँ, तो यहाँ पर जो है ना मैं विंग आईलाइनर ड्रॉ कर रही हूँ। सो गाइस मैंने दोनों आईज़ पर आईलाइनर और मस्कारा अप्लाई कर लिया है, एंड अब मैं आईब्रोज़ के लिए ये जेल आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ, आप देख सकते हो। सो अभी मैं ये ब्राउन वाला शेड ले रही हूँ आईब्रोज़ के लिए। सो ये ब्राउन वाला शेड है, ये बहुत ही ज़्यादा लाइट रहता है, तो कभी भी आपको ज़्यादा ब्लैक वाला यूज़ नहीं करना चाहिए। मैं हमेशा से ही ये ब्राउन वाला शेड अप्लाई करती हूँ, क्योंकि ये लाइट सा लुक देता है आपकी आईब्रोज़ को, बहुत ही ज़्यादा नेचुरल लुक देता है। सो यही वाला अप्लाई करती हूँ मैं। सो अभी फटाफट से मैं आईब्रोज़ कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। सो गाइस ये है मेरा फाइनल लुक, आप देख सकते हो कितना ज़्यादा लाइट आई लुक है, मैंने बहुत ही ज़्यादा लाइट आई लुक किया है। सो गाइस ये था मेरा आज का वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आया, आपको आई लुक अच्छा लगा, तो प्लीज़ वीडियो में लाइक कमेंट एंड शेयर करना मत भूलना। एंड मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।